जिला मंडी में राज्य पीटीए अनुबंध शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश की राज्य कार्यकारिणी की राज्य स्तरीय बैठक संघ के अध्यक्ष हरीश ठाकुर की अध्यक्षता में सुंदरनगर में संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश भर के लगभग 500 से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया। इस बैठक में सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित किया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज से बजट सत्र से पहले पीटीए अनुबंध शिक्षकों का प्रतिनिधि मंडल जल्द ही मिलेगा, जिसमें 7000 शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग की जाएगी। इस बैठक में प्रदेश पीटीए अनुबंध शिक्षक संघ के अध्यक्ष हरीश ठाकुर ने प्रदेश कार्यकारिणी में रिक्त पदों को जल्द ही कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा तथा 7000 शिक्षकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए गठन में बने मोर्चे हरीश ठाकुर के नेतृत्व में काम करेंगे। हरीश ठाकुर ने कहा कि गठन संगठन में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर संघ के अन्य पदाधिकारियों में राज्य उपाध्यक्ष अमित मुखेरिया, विवेक मेहता, प्रताप फौजी, रोशन भारती, शिशुपाल, ललित ठाकुर आदि मौजूद रहे। आज हिमाचल प्रदेश पीटीए अनुबंध अध्यापक संघ की एक राज्य स्तरीय बैठक हमारे यहाँ सुंदरनगर में हो रही है। इस बैठक में पूरे प्रदेश भर से हर जिला के जो प्रतिनिधि हैं और अध्यापक और प्राध्यापक जो विभिन्न विद्यालयों में जो काम कर रहे हैं वो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। लगभग पिछले 12 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में पीटीए के रूप में अपनी अपनी सेवाएं सभी अध्यापक हिमाचल प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में दे रहे हैं और पिछले 3 वर्षों से कुछ अध्यापक जो हैं वो अनुबंध पे आकर के लगभग 5500 इनकी संख्या बनती है अनुबंध के रूप में जो है वो 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और लगभग 1368 जो अध्यापक प्राध्यापक हैं वो अभी एट पर रेगुलर जो उनका वेतन है लेकर के इस रूप में जो है पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। आज जो बैठक हमने यहाँ पे सुंदरनगर में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की थी, इस बैठक का मुख्य जो हमारा मुद्दा था कि सभी अध्यापक प्राध्यापक जो है वो सरकार से एक उम्मीद बनाए बैठे हैं कि 3 वर्ष का लगातार का जो अनुबंध का सेवा काल अपना वो पूरा कर चुके हैं और जो एट पर रेगुलर पे लेते हुए वेतन लेते हुए हमारे जो एट पर कॉन्ट्रैक्ट अध्यापक साथी भी 3 वर्ष का लगातार विदाउट एनी ब्रेक का जो कार्यकाल है इनका वो पूरा कर चुके हैं। सरकार से हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि आने वाला जो 31 मार्च है उसमें हम सभी अध्यापकों को जो है वो नियमित करें, इस हेतु इस बैठक का आयोजन किया गया है। साथ ही हम सभी अध्यापकों पर सुप्रीम कोर्ट में एक मामला लंबित है, वो चल रहा है अभी, उस पर भी सब लोगों के विचार विमर्श जो है उस पर वो किया जा रहा है, सबके सुझाव लिए जा रहे हैं उस सुप्रीम कोर्ट के जो इश्यूज को लेकर के हमें किस तरह से आगे की लड़ाई लड़नी है, उस पर हम कहाँ तक कामयाबी हासिल कर पाएंगे या कर पाते हैं, उस चीज को लेकर के हमने जो है सरकार के पास जाकर के अपनी किस प्रकार से जो डिमांड रखनी है, ये सारी चीजें जो है इन चीजों को लेकर के हम आज की ये बैठक कर रहे हैं। साथ ही इस बीच में हमारा प्रदेश भर में थोड़ा सा कुछ इश्यूज को लेकर के